से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि फील्ड जॉब करते हैं या फिर कोई होम डिलीवरी का काम करते हैं। अब होम डिलीवरी का काम अगर वो पेट्रोल स्कूटर से करते हैं तो उनका कहीं ना कहीं पेट्रोल का खर्चा काफी ज्यादा हो जाता है। अगर वो इलेक्ट्रिक स्कूटर में स्विच करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो उनके बजट से बाहर हो जाता है। बट ऐसा नहीं है, एम्पेयर की तरफ से एक जील एक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि आपके बजट में आता है। इसका प्राइस होने वाला है 69,999 रुपीज। अब ये जो है इंट्रोडक्टरी प्राइस है और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 120 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है। इसके साथ साथ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको क्या क्या फीचर्स दिए जाते हैं तो चलिए आइए चल के देखते हैं इस वीडियो में। गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक एंड डिजाइन की, तो लुक एंड डिजाइन में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर एक स्पोर्टी लुक का इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको देखने के लिए मिलेगा। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको फ्लैट फुटबोर्ड देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ साथ इसमें आपको मोबाइल चार्जिंग, मेटल ग्रैब ग्रिल और काफी वाइड सीट जो है वो दी जाती है। अब लुक एंड डिजाइन के बाद बात करूं अगर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की मोटर की, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 1.8 किलोवाट की पीक पावर की BLDC मोटर दी जाती है जो कि एक वाटरप्रूफ और एक डस्टप्रूफ मोटर है। अब इस मोटर से आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 50 टू 55 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड दे देता है। बात करूं अगर इस मोटर को पावर देने के लिए बैटरी पैक की, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 2.3 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी पैक दिया गया है। ये बैटरी पैक जो है आपका 5 आवर में 0 से 100% चार्ज हो जाता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एक सिंगल चार्ज में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर अब आपको 120 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करता है। अब ये 120 किलोमीटर की जो रेंज है ये गाइस ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है अगर हम कोई फील्ड जॉब कर रहे हैं या फिर कोई होम डिलीवरी का काम कर रहे हैं, लाइक जोमेटो में या फिर स्विगी में या फिर किसी भी डिलीवरी सर्विसेज में अगर हम काम कर रहे हैं, तो 120 किलोमीटर जो है वो मोर देन इनफ हो जाती है हम लोगों के लिए, जो कि काफी अच्छी लगी। और क्योंकि इसका जो प्राइस टैग रखा गया है वो काफी अच्छा रखा गया है, अभी फिलहाल ये 28 फरवरी से पहले अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज करते हैं तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 6000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। अब गाइस ये बात हो गई इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की मेन स्पेसिफिकेशन की। अगर बात करूं इसके टायर की, सस्पेंशन की और इसकी ब्रेकिंग की, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में फ्रंट और रियर में आपको 10 इंची व्हील देखने के लिए मिलेगा और उस 10 इंची व्हील पे 90x90 का टायर देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ साथ बात करूं अगर सस्पेंशन की, तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है, वहीं रियर में आपकी कंफर्ट के लिए स्प्रिंग एडजस्टेबल सस्पेंशन दिए गए हैं। इसी के साथ साथ बात करूं अगर एम्पेयर जेल एक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर की ब्रेकिंग की, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में फ्रंट और रियर में दोनों में ही आपको ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलेगी जो कि कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम पे काम करती है। अब गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड आपको 50 टू 55 किलोमीटर पर आवर की देखने के लिए मिलती है, तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर एक हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए आपको RTO रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसी के साथ साथ आपको इसका इंश्योरेंस परचेज करना होगा जो कि इस 69,000 रुपीज के एडिशनल है। अब इसी के साथ साथ बात करूं अगर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की सब्सिडी की, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पे भी आपको सब्सिडी मिलती है और इसी के साथ साथ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाने के लिए आपको लाइसेंस की भी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर एक हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो इसे चलाने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होगी। अब आप इस एम्पेयर जेल एक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप किसी भी एम्पेयर के शोरूम से परचेज कर सकते हैं और इवन फाइनेंस भी करा सकते हैं। आप लोगों को ये एम्पेयर जेल एक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को इस तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की वीडियो पसंद है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।